नमस्कार, और आज हम खड़े हैं अमेरिकन एसयूवी के सामने जिसका नाम है जीप रैंगलर। 1986 में लॉन्च हुई थी और ये 2021 का फोर्थ जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल में दो मॉडल्स आते हैं, अनलिमिटेड जिसकी कीमत है एक शोरूम 54 लाख रुपीज़, और रूबीकॉन जिसकी कीमत है 58 लाख रुपीज़। और ये टॉप मॉडल रूबीकॉन आप देख रहे हैं। जीप ब्रांड का सबसे आइकॉनिक मॉडल है रैंगलर। पुरानी विलीज जीप के कई फीचर्स आज भी यूज़ होते हैं रैंगलर में, जैसे सेपरेट बॉडी और फ्रेम, आगे पीछे रिजिड लाइव एक्सेल्स, फ्लेयर्ड फेंडर्स के साथ टेपरिंग नोज डिज़ाइन, फ्लैट फोल्ड विंडशील्ड, और ये बिना डोर्स के भी चलाई जा सकती है। बस इसको पुरानी जीप से ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया गया है। ये कन्वर्टेबल एसयूवी है जिसकी रूफ आप निकाल सकते हैं। JL कोड नेम है इस जनरेशन रैंगलर का। इसका टू डोर मॉडल भी आता है, बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। मार्क एलन ने एक्सटीरियर और रियान पैट्रिक जॉयस ने इंटीरियर डिज़ाइन किया है रैंगलर का। अमेरिका और इंडिया में असेंबली होती है रैंगलर की। सेफ्टी के लिए यूरो एनकैप ने 5 में से 1 स्टार दिया है जीप रैंगलर को। और ये LED फॉग लाइट, फ्रंट सेंसर्स हैं, स्किड प्लेट, 7 वर्टिकल स्लॉट्स के साथ रेग्ड फ्रंट ग्रिल, और ये आइकॉनिक राउंड ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प, LED DRL और लेवलिंग सिस्टम के साथ। और ये टर्न इंडिकेटर, रूबीकॉन डीकल, स्टाइलिश बोनेट, 2 वाइपर्स हैं, फोल्डेबल और रिमूवेबल विंडशील्ड। एंटेना, फ्रीडम टॉप 3-पीस मॉड्यूलर हार्ड टॉप है जिसको निकाला भी जा सकता है। पावर एडजस्टेबल आउटसाइड मिरर्स हैं टर्न इंडिकेटर के साथ। T50 टॉग्स एक्सपोज डोर हिंजेस हैं जिन्हें आप खोल सकते हैं। जीप रैंगलर की बैजिंग। इसके पिकअप ट्रक वर्जन का नाम ग्लैडिएटर है जिसे इंडिया नहीं लाया गया अभी तक। 4.8 मीटर लेंथ है, 1.8 मीटर हाइट है, 217 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 762 mm तक पानी में जा सकती है रैंगलर। लाइट वेट एल्यूमिनियम से बने फुल फ्रेम रिमूवेबल डोर्स हैं। और ये हैं 17 इंच के अलॉय व्हील, 18 इंच के अलॉयस का भी ऑप्शन है। आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। रियर डिस्क ब्रेक्स, ये फायर क्रैकर रेड कलर आप देख रहे हैं, वाइट, ब्लैक और ग्रे कलर का भी ऑप्शन है। रूबीकॉन से ऊपर मोआब, स्पोर्ट ऑल्टीट्यूड, सहारा ऑल्टीट्यूड और रूबीकॉन 392 वेरिएंट्स भी आते हैं, बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। कई अवार्ड्स भी जीते हैं रैंगलर ने, जैसे बेस्ट रीसेल वैल्यू, फोर व्हीलर ऑफ द ईयर, मोस्ट आइकॉनिक कार, SUV ऑफ द ईयर और लोएस्ट डेप्रिसिएशन व्हीकल। कई स्टडीज़ के अनुसार जीप रैंगलर की काफ़ी हाई रीसेल वैल्यू मानी जाती है। V6, V8 engines, 6-speed manual transmission और plug-in hybrid models भी आते हैं रैंगलर के, बट वो भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और ये रियर फॉग लाइट, रियर सेंसर्स हैं, हुक है, अंडर बॉडी में हैवी गेज स्टील स्किड प्लेट्स हैं, एग्जॉस्ट टेल पाइप। और ये लॉन्च एडिशन की बैजिंग, 200 लॉन्च एडिशन मॉडल्स बनाए गए थे। और ये LED टेल लैंप। और ये है फुल साइज स्पेयर व्हील, बीच में रियर कैमरा, स्टॉप लैंप, रियर वाइपर, आगे और पीछे डाना 44 हैवी ड्यूटी एक्सल्स हैं। बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन है, कुछ बॉडी पैनल स्टील से बने हैं रैंगलर के। रॉक ट्रैक फुल टाइम फोर व्हील ड्राइव सिस्टम है सेलेक्टेबल पार्ट टाइम के साथ। ट्रू लॉक लॉकिंग फ्रंट और रियर डिफरेंशियल्स हैं। इलेक्ट्रॉनिकली डिसकनेक्टेबल फ्रंट सोए बार है। ऑफ रोड प्लस मोड है। 240 एम्पेयर का हैवी ड्यूटी ऑल्टरनेटर है रैंगलर में। और यहाँ से भरेंगे पेट्रोल। हैवी ड्यूटी सस्पेंशन है गैस शॉक एब्जॉर्बर्स के साथ।
जीप रैंगलर की बैजिंग, ट्रेल रेटेड 4x4 बैज, मतलब कि ये गाड़ी सबसे टफ जगहों पर भी जा सकती है, इन्हेंस्ड एक्सीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम EARS है, जो एक्सीडेंट होने पर कार की लाइट्स, हैजार्ड लैंप्स फ्लैश और डोर्स अनलॉक कर देगा, सेलेक्ट स्पीड कंट्रोल SSC है जो स्टीप रास्तों पे गाड़ी को स्टेडी स्पीड में उतरने देगा, सेफ्टी के अंदर 4 एयरबैग्स, ABS, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रेलर स्वे कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक रोल मिटिगेशन, कीलेस एंट्री, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, सेंट्री की एंटी थेफ्ट इंजन इमोबिलाइजर, पार्क सेंस रियर पार्क असिस्ट सिस्टम, हाई स्ट्रेंथ स्टील बीम्स और पार्क व्यू रियर व्यू कैमरा। 112 एक्सेसरी ऑप्शंस हैं रैंगलर में, जैसे सॉफ्ट टॉप, ट्यूब डोर किट, लिफ्ट किट, स्टील रियर बम्पर, टायर कवर, साइड स्टेप, जीप बैजेस, स्टोरेज बैग्स, हैंगर, लैपटॉप होल्डर, स्प्लैश गार्ड, लाइट किट, कार कवर, फ्लोर मैट्स, परफ्यूम, ग्रैब हैंडल्स, मैट ब्लैक ग्रिल, हुड लैच, फ्रंट एयर डिफ्लेक्टर, डोर वाइजर, स्कफ प्लेट, कंपास, मोपार विंच गार्ड, फोल्डेबल कूलर बैग, रूफ रैक, कुशन, टेंट और एयर प्यूरीफायर जैसी कई एक्सेसरीज। आइए बूट ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ आपको मिलेगी 897 लीटर की बूट स्पेस। यहाँ डोर पे आप कई एक्सेसरीज फिट करवा सकते हैं। और ये जीप JL की बैजिंग, डिजाइंड इन USA, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, JL कोड नेम है रैंगलर का। काफी स्पेस है। यहाँ टूल किट, काफी स्पेस साइड में। और यहाँ 12 वोल्ट का पोर्ट, थ्री पीस मॉड्यूलर हार्ड टॉप है। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं। यहाँ डोर पे नीचे पॉकेट दी गई है, आर्मरेस्ट, और ये है ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री, रेड स्टिचिंग है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, और ये आर्मरेस्ट, इस पे 2 ग्लास होल्डर्स। सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स हैं। सीट के पीछे पॉकेट्स दी गई हैं। दो स्पीकर्स हैं रूफ पे। यहाँ थोड़ी स्पेस। और ये 230 वोल्ट का पोर्ट, 2 USB पोर्ट, 2 फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स, और ये पावर विंडो के कंट्रोल्स, 2 AC वेंट्स, और ऐसा दिखता है डैशबोर्ड। लेदर स्टेयरिंग व्हील और गियर नॉब मिलेगा। डैशबोर्ड पर भी लेदर फिनिश दी गई है। और ये रीडिंग लाइट्स, यहाँ पीछे भी लाइट दी गई है। 1954 जीप CJ5 और 1987 रैंगलर से इंस्पायर्ड है इंटीरियर डिज़ाइन। हैंडल बार है। आइए फ्रंट पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। वन टच फ्रंट पावर विंडोज मिलेंगी। डोर लॉक अनलॉक करने का बटन, पॉकेट, ऐसी इतनी आगे की सीट्स, वॉश आउट इंटीरियर है। आइए ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं। यहाँ
यहाँ पर भी डोर पे नीचे पॉकेट दी गई है, रेड स्टिचिंग है आर्मरेस्ट पे, डोर लॉक अनलॉक करने का बटन, ORVM के कंट्रोल्स। और ये टायर प्रेश इन्फॉर्मेशन, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, लेदर अपॉल्स्ट्री है, सीट्स पे रूबीकॉन की स्टिचिंग है, और ये है 3-spoke स्टेयरिंग। पैडल्स, बोनेट खोलने का लीवर, और ये लाइट के कंट्रोल्स, हैंडल बार, आर्मरेस्ट के अंदर काफी स्पेस है, USB पोर्ट है, यहाँ पर भी थोड़ी स्पेस दी गई है, और इन 2 glass holders, मैनुअल हैंड ब्रेक, और ये जीप 80th एनिवर्सरी बैज, और ये है 8-speed टॉक फ्लाइट 850RE ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और ये 4-wheel drive ट्रांसफर केस, यहाँ थोड़ी स्पेस, और ये ट्रू लॉक डिफरेंशियल, ऑफ रोड प्लस और फ्रंट स्वे बार डिस्कनेक्ट के बटन्स, ये फ्रंट प्लस रियर, रियर ओनली, ये पावर विंडो की कंट्रोल्स, लाइटर, और ये मीडिया, ऑक्स, USB के पोर्ट्स, और ये है डुअल जोन ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल AC, पार्क असिस्ट, स्क्रीन ऑफ करने के बटन्स हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन, और ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और ये है 8.4 इंच का यू कनेक्ट इंफोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा नेविगेशन, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वॉइस कमांड, ऑफ रोड इन्फॉर्मेशन पेजेस, ब्लूटूथ, FM और रेडियो, ये मीडिया, मैप, FM रेडियो, और ये क्लाइमेट सेटिंग्स, ये बैकअप कैमरा, डिस्प्ले सेटिंग्स, यूनिट सेटिंग्स, वॉइस सेटिंग्स, क्लॉक सेटिंग्स, और ये एप्स, ये ऑफ रोड पेजेस, ये ड्राइव टेरेन इंफॉर्मेशन, X3 गेजेस, कूलेंट टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज, ऑयल प्रेशर, ये पिच एंड रोल, ये बैकअप कैमरा, ऑटो डिमिंग मिरर, नेविगेशन, ये सेटिंग्स, ये ऑडियो सेटिंग्स, बैलेंस फेडर, इक्वलाइजर, और ये शानदार डैशबोर्ड के फिनिश, डैशबोर्ड पे स्पीकर्स हैं, जीप का लोगो विंडशील्ड पे, यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस दी गई है, हैंडल बार है रैंगलर का, लॉकेबल ग्लोव बॉक्स है, ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ, ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, इन लैचेस से आप
रूफ को ओपन कर सकते हैं। और ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ। और ये है रेट्रो इंस्पायर्ड स्टीयरिंग व्हील। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फोन और वॉइस कंट्रोल, जीप का लोगो, ये क्रूज कंट्रोल, ये वाइपर के कंट्रोल्स, ये लाइट के कंट्रोल्स, और ये स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 7-inch फुल कलर ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ, जो दिखाएगा RPM, स्पीड, आउटसाइड टेम्परेचर, डिजिटल स्पीड, रेंज, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और कई इन्फॉर्मेशन। ये डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, ऑफ रोड इन्फॉर्मेशन, एवरेज, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, स्टार्ट स्टॉप, ऑडियो, मैसेजेस, स्क्रीन सेटअप, स्पीडोमीटर। ये ऑफ रोड इन्फॉर्मेशन, ड्राइव ट्रेन, पिच एंड रोल, ये एवरेज, रेंज, ट्रिप इन्फॉर्मेशन। बैटरी वोल्टेज, टायर प्रेशर, कूलेंट टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, ये एक्सेल लॉक, ये ऑफ रोड प्लस, आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं पेट्रोल इंजन। तो ये है 2000cc इनलाइन फोर सिलेंडर टर्बोचार्ज डायरेक्ट इंजेक्शन फीएट क्राइसलर ग्लोबल मीडियम इंजन GME हरिकेन पेट्रोल इंजन। 268 हॉर्स पावर है, 400 Nm टॉर्क है और 10 का एवरेज मिलेगा 81 लीटर के फ्यूल टैंक से। यही इंजन जीप ग्रैंड चेरोकी, ग्रैंड कमांडर, अल्फा रोमियो जूलिया, स्टेलवियो, मजराटी घिबली और लेवांते हाइब्रिड में भी यूज़ होता है। क्राइसलर, जीप और डॉज ने मिलकर बनाया था इस हरिकेन इंजन को। 268 हॉर्स पावर है। यही इंजन जीप के हाइब्रिड मॉडल्स में भी यूज होता है। तो ये था जीप हरिकेन इंजन। और इन लैचेस को ओपन करके आप इजीली रूफ को ओपन कर सकते हैं। 3 पीस में हार्ड टॉप है, जिसके आगे के 2 पीस आप इजीली निकाल सकते हैं। जीप इसको कहती है फ्रीडम टॉप। तो ऐसे आप पार्ट्स को मैनुअली निकाल सकते हैं। पीछे के पार्ट को भी आप ओपन कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। तो ऐसे आपकी जीप रैंगलर कन्वर्टेबल हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको जीप रैंगलर रूबीकॉन SUV, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।